जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से जनजीवन पर असर पड़ा है। बारामूला बनिहाल ट्रेन सर्विस बंद, पत्थर गिरने की वजह से जम्मू नेशनल हाईवे बंद। चंदरकोट से बनिहाल के बीच पत्थर गिरने से हाईवे बंद हो गया है। कश्मीर विश्वविद्यालय ने आज की परीक्षा रद्द की है। उधर जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। श्रीनगर में सड़कों पर कई इंच बर्फ जमी है। जम्मू कश्मीर में फिर भारी बर्फबारी की संभावना है। कश्मीर के मैदानी समेत पहाड़ी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी। मौसम विभाग के अनुसार यह बर्फबारी मध्यम से भारी वर्ग के बीच होने की संभावना है। श्रीनगर में कई इंच बर्फ जमा है। यातायात प्रभावित है। जम्मू कश्मीर में मौसम का हाल आप देखिए, किस तरह से वहां भारी बर्फबारी है। और मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि भारी बर्फबारी आने वाले समय में भी हो सकती है। मेराज हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मेराज, क्या स्थिति है बर्फबारी की वजह से, किस तरह की मुश्किलें पेश आ रही हैं लोगों के सामने? बिल्कुल, अगर हम आज की बात करें तो यहाँ बर्फबारी जो है बिल्कुल चल रही है और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो आज मौसम विभाग की संभावना जताई थी मौसम विभाग ने कि बर्फबारी होगी, वो बिल्कुल देखा जा रहा है। और कुल मिलाकर कहें तो आज जो है मध्य से भारी बर्फबारी होगी। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये इस साल श्रीनगर में कहीं भारी बर्फबारी होगी। और इसके चलते कहा जा सकता है कि यहाँ पे आज मौसम विभाग के इस संभावना के बाद से ही, अगर कहें सुबह से ही बर्फबारी देखी जा रही है। और इसमें कहा जा सकता है कि हवाई यातायात प्रभावित हुआ है, वहीं पे जमीनी यातायात भी, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग भी बिल्कुल ठप पड़ गया है। जी रवि, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर तक बर्फबारी की 6 तस्वीरें अब आपके सामने होंगी, जहां हालात लगातार अब बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी के बाद देखिए, श्रीनगर के साथ साथ बारामूला, शिमला और साथ ही उत्तरकाशी की ये तस्वीर आपके सामने, नारकंडा हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आपके सामने, और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी देखिए लोगों को राहत नहीं मिल रही है। हालांकि इसी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से लोग इलाके में आते जरूर हैं, लेकिन इस बीच लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से प्रशासन भी अपनी तरफ से अलर्ट है, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में बारिश ने अब लोगों की मुश्किल को बढ़ा दिया है। कैसे, ये मुश्किल अब दुगनी हो गई है, क्योंकि बर्फबारी और बारिश ने ठंड को तो बढ़ा ही दिया है। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी, वहीं मैदानी इलाकों में हुई बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ गई है।